दोस्तों अभी गाड़ी लेके हम लोग निकल चुके हैं और अभी चला रहा है रोहित गाड़ी और पापा भी गाड़ी में नहीं है, देख सकते हैं अभी। और हमको पापा बैठा दिए, पापा डर से नहीं बैठे, अब इसका साथ बैठ गया, अब हमको डर लग रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे लोग आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 8 बज रहा है और हमारा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों अभी हम लोग नहा धोवा के सुबह उठे थे, नहा धोवा से फ्रेश हो गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं पंप तो बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पर कुछ नाश्ता वास्ता सुविधा नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं कुछ गाड़ी में ही बनाते हैं और फिर लोडिंग वगैरह पता करते हैं, लोडिंग है क्या, पोजिशन है क्या नहीं। दोस्तों माल के लिए भी सोच रहे कहीं के लॉन्ग टूर भरने के लिए, तो मिल जाता तो हम पहले लॉन्ग टूर ही माल भरेंगे और नहीं मिलेगा तो फिर तो लोकल ही भरना पड़ जाता है, तो ये समस्या है। हम सोचते हैं कि ज़्यादा दिन खड़ा होने से अच्छा है कि यहाँ से वहाँ चले जाते तो वहाँ से माल मिल जाएगा, तो हम लोग मतलब नहीं चाहने पर भी हम लोग को भरना पड़ जाता है लोकल माल नहीं, तो हम लोग अक्सर सोचते हैं कि लॉन्ग टूर ही माल भरे, तो ठीक है देखते हैं आज हमारा लॉन्ग टूर का माल मिलता है कहीं लोकल का ही मिलता है। दोस्तों आज बहुत दिन बाद जा रहे हैं गाड़ी में पुआ बनाने के लिए, पुआ में पुआ वो सब रखा हुआ था मेरे पास, बादाम वगैरह सब चीज़ था, तो कभी बनाने का मौका नहीं मिला उसका, तो बनाते वहीं पर है जहाँ कुछ नहीं मिलता है नाश्ता वगैरह, तो यहाँ पर तो कोई दुकान वगैरह सा है नहीं, तो हम लोग खड़े भी है, अभी लोडिंग का भी ऑर्डर नहीं आया है, तो हम चलो इसी बीच में पुआ बना लेते हैं। चलिए थोड़ा पुआ बनाने के लिए थोड़ा सरसों डाल दिए हैं, अब देखिए इसमें प्याज मिर्चा वो सब भूनने के बाद, अब देखिए पोहा भी मेरा धो धा के रखा हुआ है, बादाम भी करके रखा हुआ है। दोस्तों मेरा प्याज हुआ देख सकते हैं पूरा भून चुके हैं, हम थोड़ा सा टमाटर भी डाले हैं, ये देखिए ये चूड़ा चले डालने के लिए, अब चूड़ा बन के पोहा बन के आएगा, ये बहुत लोग तो महाराष्ट्र डाइट इसको पोहा ही बोलते हैं और हम लोग यहाँ झारखंड बिहार में इसको चूड़ा बोलते हैं। दोस्तों बनाते बनाते थोड़ा सड़क भी जाते हैं, क्योंकि ये जब मिर्चा उर्चा ये सब चलाता है ना, थोड़ा सा सड़क आ ही जाता है आदमी को, इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे इसमें। अभी थोड़ा हल्दी डालेंगे, हल्दी से इसमें कलर आ जाएगा, हल्के से हल्दी और कुछ नहीं। हाँ दोस्तों इसका लास्ट आइटम है ये नमक, नमक जो है वो ज़्यादा नहीं थोड़ा ही का डलता है, अच्छी तरह से मिलाएंगे। गमछा कहाँ है, बस इसको मिलाते रहना, गरम में हल्दी भी पक जाएगा और मिलने का मिलना भी हो जाएगा पूरा। दोस्तों मेरा पोहा बन चुका है, ये देखिए कितना शानदार बना है, पूरा बादाम उदाम सब देख के टमाटर वगैरह देख के, चले इसको खाने। सूखा ही पोहा अच्छा लगता है, कई लोग जो देखे दुकान में कि इसमें रस्सा वगैरह डाल देते हैं, लेकिन मेरे पास भी मिक्सचर था, शायद ख़त्म हो गया तो मिक्सचर भी डाल देते इसमें अभी हम। दोस्तों नाश्ता तो हो गया, अब रेडियम ले लिए थे कल, देखिए ओरिजिनल रेडियम है, तो इसको चिकवा पिछले बार फाइन हुआ था नहीं लगाए थे, तो और यही सब समय मिलता है तो ये सब काम में निपट लेते हैं, ये सब काम लोडिंग वोडिंग कोई है नहीं तो तब तक बात भी चलेगा, अपना काम भी हो जाएगा। अभी देखिए अच्छी यहाँ इतना बाकी रह गया था, बीच बीच में गैप गैप में दिए थे पूरा लगने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, उस साइड तो पूरे ही लगा दिए थे तो थोड़ा घट गया था। ठीक है दोस्तों लगाते हैं अभी इसको, ये ओरिजिनल जो होता है थोड़ा सा दिक्कत करता है छुड़ाने में भी, लग जाता है तो बस एक नंबर हो जाता है। देखिए ओरिजिनल का ऐसा ऐसा निकलता है, इतना ज़्यादा इसमें सॉल्यूशन है ना इसमें और इसमें, देखिए कितना फर्क है, ये दोनों का रेट दोनों का सेम है। ठीक है दोस्तों लगाते हैं अब इसको। दोस्तों अभी गाड़ी लेके हम लोग निकल चुके हैं और अभी चला रहा है रोहित गाड़ी और पापा भी गाड़ी में नहीं है, देख सकते हैं पापा उधर ही पंप में रुक गए हैं, तो हम लोग इधर आगे से एक ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से घूम कर आएंगे, तो अभी रोहित को थोड़ा दिया गया है, मतलब थोड़ा ड्राइवर ही अपना दिखाए, अब देखिए चला पा रहा है कि नहीं, चलाता तो है ऐसे रात में, अभी दिन में मिला है तो थोड़ा खुश हो रहा है, देख सकते हैं चमनिया मुस्कान मार रहा है। अभी हम लोग यहाँ से देखिए ब्रिज आने वाला है, वहाँ से अंदर से जाएंगे अभी, और हमको पापा बैठा दिए, पापा डर से नहीं बैठे, अब इसका साथ बैठ गया, अब हमको डर लग रहा है। यहीं से दोस्तों हम लोग सर्विस वाले रोड में जाएंगे, धीरे धीरे जाना। अब धीरे धीरे चलना है, देना उधर बोलेरो घुस रहा है, जाओ जाओ जाओ।
ब्रिज के पास दोस्तों अभी आ चुके हैं। अब इसी ही ब्रिज के नीचे से जाना है और आराम से जाना होगा। जा जा जा। चलिए ब्रिज के नीचे भी ले आया। रात में चलाता है, मतलब फोर लाइन में चलाता है ऐसा। अरे तेरी, अभी गाड़ी थोड़ा खाली है इसलिए ज़्यादा उछल रहा है, तो ऐसा रोड में नहीं चलाता है, फोर लाइन में ज़्यादातर चलाता है रात में। चलो चलो चलो। चलिए हम लोग सही सलामत मतलब पहुँच गए यहाँ पे पंप के पास। पापा भी पंप में है, अभी आएंगे थोड़ी देर में। चलिए सर, तब तो आप ड्राइवर बन गए। तो ये बैक सपोर्ट के लिए तकिया क्यों लगाए आप बताइए? मतलब ड्राइवर बनने के लिए मोटा होना पड़ेगा। कैसा रहा बता बता? ठीक रहा। देख सकते हो दोस्तों, तो हम तो बहुत दिन से गाड़ी चलाते थे, आप लोग भी देखे हैं वीडियो में कई बार। कई मेरा उस्ताद मतलब रहते ही गाड़ी चलाने, आज मेरा उस्ताद नहीं था तो हम गाड़ी लेके आए। 4 किलोमीटर गाड़ी घुमा के लेके आ गए यहीं पे। तो उस पार में लगा हुआ था, उस पार से 3 किलोमीटर ब्रिज है, उधर से 1 किलोमीटर। 4 किलोमीटर मतलब गाड़ी घुमा के लाए ना। चलिए आप ड्राइवर बन गया ये। दोस्तों हम कभी की अभी हम दूसरा काम से गए थे, लोडिंग मेरा लोकल का बात चल रहा था। बोले कि लोकल अभी गाड़ी खड़ा रहेगा तो उससे अच्छा है कि लोकल मतलब एक्टिव चलाने के लिए। तो हम गए थे बातचीत करने लिए, तो रोहित को बोले गाड़ी घुमा के लेके आओ, क्योंकि दूसरा रोड पे गाड़ी था मेरा। तो अभी गाड़ी रोहित घुमा उमा के लाया है, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। वो लोकल जो है भरना मतलब रायपुर से 100 किलोमीटर आगे जाना है और फिर रायपुर में लाके खाली कर देना है। उससे क्या है कि कुछ अपना गाड़ी का खर्चा निकल जाता है, अपना भी खुराकी वगैरह निकल जाएगा और खड़े खड़े में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो पोजिशन यही है बरसात में, इसीलिए आदमी गाड़ी से थोड़ा सा पोजिशन बोलता है ना, बरसात में कोई से गाड़ी गड़बड़ा जाता है, वही हाल है। तो ठीक है, अभी जा रहे हैं, अभी मिला धर्मतरी रोड से लोडिंग करना है और फिर हीरापुर में लाके खाली करना है। चलते हैं हम। दोस्तों आ गए हैं गोडाउन पे जहाँ कुरकुरे वगैरह लोड होता है, तो अपना लोडिंग भी चालू है। तो ज़्यादा तो नहीं, यहाँ से रायपुर जाएंगे, यहाँ से 70-80 किलोमीटर है रायपुर अभी यहाँ से। तो खाली हो सकता है कि रात में कर दे, नहीं भी कर सुबह करेगा ऐसे भी गोडाउन में, उसी गोडाउन में जाकर रुकना है हम लोग को। हम लोग का रुकना वाना भी वहीं होता है हीरापुर में। तो ठीक दोस्तों, लोड हो जाएगा अभी, आधे 1 घंटा लगेगा, फिर यहाँ से निकलेंगे अभी हम लोग यहाँ से। ठीक दोस्तों, पीछे कैंटीन है, जा रहे चाय पी के आते हैं। शाम में थोड़ा चाय पीने की आदत है, तो आते हैं चाय पी करके। देखिए दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं, आज हम लोग का गाड़ी लोड हो चुका है, तो यहीं पे धर्मतरी रोड में लोड हुआ है। यहीं से लोड करके जा रहे हैं रायपुरी लोकल, फिर कल खाली होगा तो कल दुर्गापुर के लिए लोडिंग के लिए जाएंगे। तो अभी सील दिया है तो सील लगा रहे हैं। अभी नहीं खुलेगा। अब दोस्तों ये सील पूरा अच्छे से लग गया है, ये मतलब एक ही टाइम का रहता है, एक बार लग गया तो अभी खुलेगा नहीं, अब सीधा टूटेगा तभी खुलेगा, रिंग से टूटेगा तभी खुलेगा ना। तो हाँ, और हम ही लोगों इसको खोलना भी पड़ेगा मार मार के। ऐसे रिंग घुसाएगा, चाँदना पड़ेगा तभी टूटेगा। तो अभी लगा दिए, अब लोग का टेंशन फ्री, शीशा उसे सब भी साफ हो गया। अब जा रहे हैं यहाँ से निकलेंगे, अब जाके अपना जो गोडाउन है सोते वहीं पर खाली होगा। हीरापुर में लोकल जा रहा है, कल वहाँ से लोड करेंगे दुर्गापुर के लिए। दोस्तों गाड़ी तो अपना लोड हो गया है और लेकिन निकल गए, लेकिन थोड़ा गाय से परेशान है। रोड में देखिए कैसे गाय सब बैठा हुआ है। अब यहाँ गए दुकानदार के सामने भी गाय बैठा हुआ रहता है, तो कम से कम मार देना चाहिए उसको, हट साइड कर देना चाहिए था, क्योंकि उसके चलते कोई हादसा हो सकता है। अब गाड़ी कटिंग करेंगे तो बाएँ तो पीछे वाला बाइक वाला को तकलीफ होगा कि अभी उधर जा रहा था इधर कैसे आ गया, ये कटिंग करना पड़ रहा है रोड में। अब बरसात में छत्तीसगढ़ में ही हमको दिक्कत होता है, अब उधर खेती होती चालू हो जाता है तो ये जितना गाय सब रोड में आ जाता है। खेती तरफ तो सब अपना घेर लिया या कुछ भी कर रहा है, धान में जाने नहीं देता है, चलो वो तो अच्छा बात है, लेकिन गाय के लेकर के हम लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं बारिश के टाइम में। ऐसे तो नहीं अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब रात में गाड़ी चलाते हैं तो सुबह सुबह देखते हैं रोड में एक दो मतलब गाड़ी कोई ना कोई मार के निकल गया है, कई बार 2-3। ये बलौदा बाजार रोड में ज़्यादा है, इस रोड में आए हैं तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है।
देखो पीछे देखो उधर, अब कटिंग करते हैं तो हो सकता है बाएं साइड कोई हो उसको तकलीफ हो जाते, कितना बैठा हुआ रोड में गाय। अब देखिए वहां से चले फिर यहाँ आ गया, ये मारुति वाला है, ये देखो कटिंग किया। ठीक है दोस्तों पहुंचते हैं गोडाउन में, नंबर लगाते हैं वहाँ। दोस्तों गोडाउन में तो गाड़ी लेके आ गए हैं और यहीं पर अपना गाड़ी खाली होगा, तो यहाँ पर है कि अपना नंबर पहला है, अभी कोई गाड़ी नहीं आया है, इसीलिए कि वहाँ से जल्दी जल्दी निकले थे हम लोग, जल्दी जल्दी निकल जाए, थोड़ा सा जाम मिल गया वहाँ पे। टाटी बांध में जाम तो लगता ही है, वो तो साला कंपलसरी हो गया एकदम, डेली शाम में जाम लगने ही लगता है, तो वो थोड़ा डेढ़ दो घंटा वहाँ बर्बाद हो गया, फिर तो और पहले आते हैं। तो ठीक है दोस्तों गाड़ी लगा दी है पॉइंट पे, अपना सुबह आएगा 9 बजे सब, अपना गाड़ी खाली हो जाएगा। दोस्तों हमारा खाना देखिए आज का यही है, मिक्स वेजिटेबल है और दिन का ही थोड़ा बचा हुआ था वो भी है, और क्या ना हम लोग टाइम तो मिला नहीं, आप लोग भी देखेंगे वहाँ लोड उड किए, फिर यहाँ का नंबर भी लगाना था तो नंबर आके लगा लिए, तो पहला नंबर अपना है यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों रात का खाना यही, हम लोग खाना खाते हैं अभी। दोस्तों खाना पीना तो हो गया अपना, अब जा रहे सोने के लिए, सुबह इंतजार करेंगे लेबर लोग का, आएगा वो लोग खाली करेगा अपना। दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, हम लोग भिलाई जाने वाले लोडिंग के लिए, वो आप लोग देखे होंगे पहले भी मैं गए थे, हम लोग लेकर के माल रुईया टाइप का होता है माल, वही माल लोड होगा। तो ठीक है दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।